अकबरुद्दीन ओवैसी के वायरल वीडियो पर भड़के हिमंता। अगर खोले मन से आप पुलिस को धमका सकते हो तो बाकी लोग तो अपने आप डर जाएगा। हिमंता ने एक बार में अकबरुद्दीन की हेकड़ी निकाल दी। ऐसा काम असम में होते थे, हम लोग तो 5 मिनट में हिसाब कर देते। अकबरुद्दीन ने पुलिस इंस्पेक्टर को खुलेआम धमकी दी थी। बोलूंगा 5 मिनट, कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 3 राज्यों में मतदान हो चुका है, बस परिणाम आना बाकी है। वहीं बाकी के 2 राज्यों में 25 नवंबर और 30 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। उससे पहले ये जो चुनावी रैलियों का दौर चल रहा है, ये जो अपना दम दिखाने का दौर चल रहा है, ये तो 3 दिसंबर को परिणाम के बाद ही खत्म हो पाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने मानो इन चुनावों में अपनी जान लगा दी है। खूब छींटाकशी हुई, खूब गलत बातें कही गई, वार पलटवार का दौर चला, आरोप प्रत्यारोप भी खूब हुआ। इस बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए अहम चेहरा बनकर उभरे, चुनावी कैंपेन के एक स्टार खिलाड़ी के तौर पर सामने आए, जिन्होंने किसी का वार बिना पलटवार के छोड़ा ही नहीं, कांग्रेस को खूब जवाब दिया। इसी बीच में बदजुबान लोगों को भी हड़काते दिखाई दिए हिमंता बिस्वा शर्मा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे पुलिस इंस्पेक्टर पर बुरी तरह से भड़के थे। इसी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अकबरुद्दीन को आड़े हाथों लिया। असम CM ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ऐसा असम में हुआ होता तो 5 मिनट में उसका हिसाब कर देते। देखो, जो घटना हुआ है, कल जो घटना हुआ है, ये बहुत ही दुखदायक है। अगर ऐसा काम असम में होते थे, हम लोग तो 5 मिनट में हिसाब कर देते थे, पुलिस भी उसी वक्त हिसाब कर देते थे। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति का कारण हमारा तेलंगाना में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आप देखिए, BRS भी कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस भी नहीं कुछ बोलते हैं, और ऐसे ही सब लोगों को आजादी मिल चुका है, सब लोगों ने वीडियो देखा है। अगर खोले मन से आप पुलिस को धमका सकते हो तो बाकी लोग तो अपने आप डर जाएगा। ये तो चुनाव का पहले लोगों को डरवाने के लिए ये काम हुआ है। मैं तो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चुनाव सेक्टर का चुनाव भी रद्द कर दीजिए और उनका कैंडिडेट आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अगर असम में ऐसी मजाल किसी की भी हुई होती तो फिर तो उसका हिसाब वहीं के वहीं हो गया होता। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी अकबरुद्दीन की बदतमीजी पर तीखा कटाक्ष किया। ये लोग केवल भड़काऊ बात करते हैं, संविधान को तार तार करते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी तो वही हैं जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। फिर से उनका ये अराजक रूप सामने आया है। इतना जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने बोला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तो जब भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते एक हैं, तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है। और ऐसे अभद्र जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है नहीं, और वर्दी का रसूख ऐसा है जो ये वक्तव्य बोल रहे हैं। अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। वहीं ओवैसी तो भाई के बचाव में उतर आए। अक्सर मन से अपने भाई पर बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब अकबरुद्दीन के बचाव में क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं अगर 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई, क्यों? ये कानून MCC ECI का जो आप खुद परमिशन RO दे रहा है, और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप, क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके नहीं। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है,
क्या है बोलिए आप, अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? वही अब अकबरुद्दीन का आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर से निहायत ही गलत तरीके से पेश आते नजर आ रहे हैं। देखिए सर, इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दे, फिर चलिए चलिए चलिए। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया, बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ देख लेते हैं तुम जीते हैं या हम। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास। तो सुना आपने, वैसे कोई पहली बार नहीं है जब अकबरुद्दीन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी वो धमकी भरे अंदाज में मंच पर भाषण देते दिखे हैं, मर्यादाओं को लांघते दिखे हैं और हर बार की तरह ओवैसी अपने भाई को डिफेंड करते दिखे हैं। वैसे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अकबरुद्दीन ने इंस्पेक्टर के लिए किया है, इस पर आपका क्या कहना है? और जिस तरह का पलटवार हिमंता बिस्वा सरमा ने किया, उस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।